हेलो फ्रेंड्स, फोटोग्राफर क्लासेस चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर इस तरह का डिजाइन लेकर के आई हूँ। इसे चाहे तो आप थाल पोस बना सकते हैं या तोरण पट्टी में भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं। यह बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रेंड्स, आप इसको अपने अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले 6 चेन लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः चेन लेने के बाद पहला वाला से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 4 चेन लेंगे। दो, तीन, चार, चार चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 चेन लेंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इसमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको फिर यहाँ से अटैच कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच से खींच करके जोड़ देंगे। 1 चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। और यहाँ से अब दूसरा कलर लगाएंगे और इसको यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरह से 3 चेन लेंगे। 3 चेन और इसी में डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। फिर 1 चेन लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे दूसरा। फिर 1 चेन लेंगे यहाँ भी डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर 1 चेन लेंगे। सारे में 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1-1 चेन लेने के बाद कंप्लीट करके फ्रेंड्स दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर के इसे तीसरा वाला चेन से इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर के 3 चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। 1, फिर 2 चेन लेंगे। 3 हो गया, 1 चेन वाला और 2 डबल क्रोशिया। फिर इसमें भी 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे उसी तरह से। 1, 2, 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 चेन लेने के बाद इससे स्लिप स्टिच कर देंगे। 1-2 तीसरा चेन के साथ इस तरह से और इसको यहीं पर कट कर देंगे। यहाँ से फिर दूसरा कलर लगाएंगे
यहाँ से फाइव चेन लेंगे, एक दो तीन चार, फाइव चेन लेने के बाद यह बीच वाला चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर देंगे, फिर फाइव चेन लेंगे, तीन चार पाँच, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर फाइव चेन लेंगे, तीन चार पाँच, फिर इसका बीच वाला से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स इस सारे रो को कंप्लीट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, अरे इसका बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से पूरा रो को कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक आते हैं, इसके बाद फिर से पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार, पांच चेन लेने के बाद इसमें जोड़ देंगे, और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। उसके बाद तीन चेन लेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे और इसी में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, इसी में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, इसमें सात चेन लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, फिर यहाँ से गिनेंगे, एक दो तीन चार, चौथा चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से फ्रेंड्स बनेगा। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर तीन चेन लेंगे, दो तीन, तीन चेन लेने के बाद इसमें डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चेन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक और फिर इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर सात चेन लेंगे। इसी तरह से रो को कंप्लीट करके दिखाते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक आ गए, इसके बाद इसको इसी में करके इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से और इसको कट कर देंगे। और इसको पीछे नॉट लगा देंगे। अब यहाँ से क्रीम कलर लगाएंगे। यहाँ से फ्रेंड्स एक चेन वाला है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद पफ स्टिच बनाएंगे, एक इसी में से छह बार निकालेंगे, दो तीन चार पाँच
ये 6 हो गया। फिर इसको इस तरह से कर देंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ से निकालेंगे, इसमें से एक एक चेन जो लिए थे, 2 3 4 5 6, फिर इसको इससे सुखिए, फिर इसमें से निकाले 1 2 3 4 5 6, फिर इस तरह से भी, फिर इसमें से निकल 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कॉफी स्टिच किए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये जो दिख रहा है, ये जो लेते हैं, इसी से इस तरह से मोड़ दें, इस तरह से करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 2 चेन लेंगे और ये पहला वाला जो कॉफी स्टिच है, इससे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना, फिर 3 चेन लेंगे, 2 3 चेन लिए और इसी में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दें, फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में 1 2 3 चेन लेंगे और इसी से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर फ्रेंड्स यह दूसरा वाला में जाएंगे, इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 चेन लेंगे, ऐसे करेंगे, फिर हर जो है उसमें से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है, 3 1 2 3 फिर आगे यहाँ पर 1 2 3 देखिए फ्रेंड्स यह इस तरह से तैयार होगा। इसी तरह से पूरे को तैयार करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहे तो एक ही कलर में पूरे को बना सकते हैं, नहीं तो अलग अलग कलर भी लगा सकते हैं और इसको अपने अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर थालपोस बनाना हो तो इसको जैसे हम लोग 12 बार लिए हैं उसको और आगे बढ़ा देंगे सबको, तो उसी तरह से फ्रेंड्स आप बना सकते हैं इसको। फ्रेंड्स आगे कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यह इस तरह से कंप्लीट हो गया।
इससे फ्रेंड चाहे तो आप थालपोस बना सकती हैं, या तोरण पट्टी में भी लगा करके इसको बहुत सुंदर से इस तरह से हैंग कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।